কুদেও জো পিএসসি মা হোকে বাবাল দিন রাত পড়না হে মজাবো ধমাল কাও পর লে থসরে টেনশন আরে কাও পর লে থসরে টেনশন জব অফসর বন কে তে কর পে ধমাল ये कैसे होगा सर हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है, कंपटीशन कम्युनिटी आप लोग के लिए लेकर आया है टॉप एमसीक्यू सीरीज, जिसके तहत हम संपूर्ण सीजीपीएससी की तैयारी एमसीक्यू के माध्यम से आपको कराने वाले हैं। पहले वीडियो में आपने देखा था कि कैसे कैसे छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित कार्य किए गए थे और छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के जिला एवं उसकी स्थिति और विस्तार संबंधित क्वेश्चनों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के निम्न जिलों पर विचार करें। चार का आपको समूह दिए गए हैं। पहला समूह दिया गया है कोंडागांव, मुंगेली, बस्तर, सक्ती। दूसरा समूह दिया गया है आपको राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, कोरिया। तीसरा समूह दिया गया है बलरामपुर, नारायणपुर, जसपुर, सरगुजा। और चौथा समूह आपको दिया गया है सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद। आपको छांटने क्या बोला जा रहा है, तो कौन से जिलों का समूह भू आवेष्टित नहीं है। आपको क्या बोला जा रहा है, कौन से जिलों का समूह जो है वो भू आवेष्टित नहीं है। भू आवेष्टित नहीं है का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि हमको सीमावर्ती जिले छांटने हैं। हमको कौन से जिले छांटने हैं, सीमावर्ती जिले। ये जो चार समूह आपको दिए गए हैं, इसमें से चारों जो ऑप्शन है वो चारों ऑप्शन ऐसे कौन से हैं जो सभी जिले सीमावर्ती हैं। तो आइए चर्चा करते हैं हम। पहला देख रहे हैं कोंडागांव, दूसरा मुंगेली, तीसरा बस्तर और चौथा है सक्ती। इसमें हमको क्या छांटना है, सभी सीमावर्ती जिले छांटने हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा कोंडागांव जो है हमारा क्या है, सीमावर्ती जिला है। दूसरा मुंगेली भी क्या है, हमारा सीमावर्ती जिला है। बस्तर भी क्या है, आपका सीमावर्ती जिला है। लेकिन जो नवनिर्मित सक्ती जिला है, ये आपका एकमात्र जिला है जो इस समूह में भू आवेष्टित है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका एलिमिनेट हो जाएगा। दूसरे चलते हैं राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़ और कोरिया। तो हमको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि राजनांदगांव जिला भी क्या है, आपका भू आवेष्टित नहीं है, सीमावर्ती है। कांकेर भी क्या है, आपका सीमावर्ती है। रायगढ़ भी क्या है, सीमावर्ती जिला है। और कोरिया भी क्या है, हमारा सीमावर्ती जिला है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है, आपका बिल्कुल यहां पर सही हो जा रहा है। आगे तीसरे और चौथे ऑप्शन की ओर आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से आपको क्या चीज समझ में आ जा रहा है, आंसर समझ में आ जा रहा है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ऑप्शन आपको दिया गया है एक और चार सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल तीन सही है। तो आपको यहां पर एक से अधिक आंसर भी मिल सकते हैं। तो आपको इस चीज से बचने के लिए, यहां पर आकर आधा क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन गलत करने से बचने के लिए, आपको अपने सभी ऑप्शन पर क्या करने पड़ेंगे, चर्चा करने पड़ेंगे। आगे चलते हैं हम अपने तीसरे ऑप्शन की ओर, बलरामपुर, नारायणपुर, जसपुर, सरगुजा। तो आपको पता है बलरामपुर क्या है, हमारा सीमावर्ती एक जिला है। नारायणपुर भी क्या है, सीमावर्ती जिला है। जसपुर भी सीमावर्ती जिला है, परंतु यहां पर सरगुजा एक भू आवेष्टित जिला है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है, यहां पर एलिमिनेट हो जा रहा है। चौथे की ओर चलते हैं, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, महासमुंद। तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि दंतेवाड़ा जो जिला है क्या है, ये एक भू आवेष्टित जिला है। तो सिर्फ दूसरा ऑप्शन क्या होगा, आपका सही होगा। अब देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन हमारे किस नंबर पर है। तो आपको यहां पर समझ आ रहा है कि जो सी है, इसमें लिखा हुआ है केवल दो। यही क्या होगा, आपके पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी में जैसे कि आपको बताया गया है कि एमसीक्यू के माध्यम से हम लोग आपको क्या करेंगे, संपूर्ण सीजीपीएससी पाठ्यक्रम की तैयारी करेंगे। तो आगे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से संपूर्ण जो जिले हैं वो सीमावर्ती हैं और कौन कौन से जो जिले हैं वो भू आवेष्टित हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको अब हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। आप कैसे बताएंगे कि कौन कौन से जिले सीमावर्ती हैं और कौन कौन से जिले भू आवेष्टित हैं। सबसे पहले हम एक छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं।
ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया। अब हम देखते हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो छत्तीसगढ़ के जिले हैं, जिला, ये आपको दो चीजों में ध्यान में रखना है। अभी आपको पता है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 नए जिलों का क्या हुआ है, गठन हुआ है। इन 5 नए जिलों में या इन 5 नए जिलों के निर्माण से पहले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले थे, तो 28 जिले थे। 5 नए जिलों के निर्माण से पहले छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कितने जिले थे, तो 28 जिले थे। इस 28 जिले में सीमावर्ती जिला और भू आवेष्टित जिला, तो 28 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो सीमावर्ती जिले थे इनकी संख्या थी 18। 28 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी थी, 18 थी, और भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी थी, 10 थी। परंतु अब जब वर्तमान में 5 नए जिले गठित हो चुके हैं, तो हमारे पास सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 22 हो गई है, और भू आवेष्टित जिलों की संख्या कितनी हो गई है, तो 11 हो गई है। तो पहले हम चर्चा करेंगे 28 जिलों की स्थिति के हिसाब से, उसके बाद हम देखेंगे कि 4 जिले जो गठित हुए हैं उनमें से कौन कौन से जो जिले हैं वो सीमाओं पर हैं और कौन कौन से जिले हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। तो पहला चर्चा करते हैं हम छत्तीसगढ़ के जिलों की स्थिति के बारे में। पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 28 जिले के हिसाब से वो कौन से 18 जिले थे जो क्या थे, सीमावर्ती थे, और कौन से जो 10 जिले थे वो क्या थे, भू आवेष्टित थे। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन से 5 जिले गठित होने के बाद में छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती और भू आवेष्टित जिलों के स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र से। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र के अंतर्गत जो उत्तर में, सबसे उत्तर में 3 जो जिले हैं उसमें से एक है आपका कोरिया, दूसरा है सूरजपुर और तीसरा है बलरामपुर। कौन कौन से जिले उत्तर में हैं, तो कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। ये कब की स्थिति के हिसाब से, तो छत्तीसगढ़ में जब 28 जिले थे तब की स्थिति के हिसाब से छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 उत्तरी जिले कौन कौन से, तो कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। अब हम पश्चिम की ओर से नीचे उतरना शुरू करें तो यहां पर कोरिया के नीचे एक जिला है जिसका नाम है गौरेला पेंड्रा मरवाही। ठीक, जिले का नाम क्या है, गौरेला पेंड्रा मरवाही। और ये गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला छत्तीसगढ़ के 28वें जिले के रूप में भी आप इसको क्या करते हैं, जानते हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही के नीचे आपको पता है यहां पर क्या है आपका मुंगेली जिला। मुंगेली के नीचे आपको क्या याद रखना है, कवर्धा। मुंगेली के नीचे कवर्धा, ये 3 जिले आपको याद रखने हैं। कोरिया के नीचे 3 कौन कौन से जिले, तो गौरेला पेंड्रा मरवाही, मुंगेली और कवर्धा। कवर्धा के नीचे फिर, कवर्धा के नीचे जो जिला है ये है आपका राजनांदगांव। कवर्धा के नीचे कौन सा जिला, राजनांदगांव। और राजनांदगांव के नीचे कांकेर। राजनांदगांव के नीचे क्या, कांकेर। और कांकेर के नीचे नारायणपुर, और नारायणपुर के नीचे आपका क्या आएगा, बीजापुर। नारायणपुर के नीचे बीजापुर। ये छत्तीसगढ़ के पश्चिम की ओर से नीचे आने पर क्या हो गए, आपके सीमावर्ती जिले हो गए। अब हम देखते हैं पूर्व की ओर से, बलरामपुर के नीचे। बलरामपुर के नीचे ये जो आपको क्षेत्र नजर आ रहा है ये क्या है, आपका जसपुर जिला। जसपुर के नीचे ये आपका क्या हो गया, रायगढ़। जसपुर के नीचे रायगढ़। रायगढ़ के नीचे आपका क्या, महासमुंद। और महासमुंद के नीचे आपका गरियाबंद। रायगढ़ के नीचे आपका क्या हो गया, महासमुंद। और महासमुंद के नीचे ये क्या हो गया जिला, आपका गरियाबंद। गरियाबंद के नीचे धमतरी। धमतरी के नीचे कोंडागांव। और कोंडागांव के नीचे आपका है बस्तर। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण में जो जिला स्थित है वो है आपका सुकमा। तो सबसे पहले आप याद कर लेते हैं हम 28 जिलों के हिसाब से जो 18 हमारे सीमावर्ती जिले हैं वो कौन कौन से हैं। पहला क्या, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। उत्तर के सबसे 3 जिले कौन, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। कोरिया से नीचे आने पर क्या दिख रहा है आपको, गौरेला पेंड्रा मरवाही। उसके नीचे मुंगेली। मुंगेली के नीचे कवर्धा। कवर्धा के नीचे फिर 3 जिले कौन कौन से, तो राजनांदगांव,
कांकेर और नारायणपुर। इसके बाद हम आ जाते हैं बलरामपुर से नीचे, तो बलरामपुर से नीचे कौन सा एक जिला, जसपुर, जसपुर के नीचे रायगढ़ और रायगढ़ के नीचे महासमुंद, महासमुंद से फिर आप नीचे आएंगे तो गरियाबंद, धमतरी और कोंडा गांव। इसके बाद आप ध्यान में रखिएगा बस्तर, सुकमा और बीजापुर, या बीजापुर, सुकमा, बस्तर, जैसे आपको याद रखने में आसानी हो। फिर हम देख लेते हैं कि ये जो 10 जिले भू अवस्थित थे ये कौन कौन से थे। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ के उत्तर में जो सबसे उत्तर में भू अवस्थित जिला है वो क्या है, आपका सरगुजा है। सरगुजा के नीचे ये क्षेत्र आपका क्या हो जाता है, कोरबा। कोरबा के नीचे जो क्षेत्र है ये आपका बिलासपुर। बिलासपुर से नीचे यहाँ जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा के बाद आप इधर ध्यान दे तो छत्तीसगढ़ के मध्य में हमारा क्या हो गया, राजधानी रायपुर। और रायपुर से अलग होकर एक जिला बना था जिसका नाम है बलौदा बाजार। रायपुर से यहाँ साइड में आपका दुर्ग जिला, दुर्ग से ऊपर बेमेतरा, दुर्ग से नीचे बालोद और सबसे नीचे आपका क्या, दंतेवाड़ा। ये आपके क्या हो गए, 28 जिलों की स्थिति हो गई जो कि 5 जिलों के गठन से पहले है। अब 5 जो नए जिले गठित हुए उसमें क्या क्या फिर यहां पर प्रशासनिक परिवर्तन आए हैं। तो 5 जिलों के गठन उपरांत सबसे पहले कोरिया को काट कर क्या किया गया है, एक नया जिला बनाया गया है जिसका नाम है मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। तो गौरेला पिंडा मरवाही वाला जो जिला है वो किसके नीचे से आ रहा है, तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के नीचे से आ रहा है। दूसरा, आप इसी लाइन में नीचे आएंगे तो जो राजनांदगांव है इसका 2 बार क्या किया गया, विभाजन किया गया, इसको 2 बार पुनर्गठित किया गया। पहला, उत्तरी राजनांदगांव को काटकर खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला बनाया गया, और दक्षिणी राजनांदगांव को काटकर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला बनाया गया। इसके अलावा रायगढ़ से काटकर सारंगगढ़ और बलौदा बाजार से काटकर बिलईगढ़ को क्या किया गया है, एक नया जिला बनाया गया है। ये आपके 4 जिले क्या हो गए, सीमावर्ती हो गए, जो 5 नए जिलों के गठन के उपरांत 33 जिलों के परिप्रेक्ष्य में है, और एक जिला है आपका शक्ति जो कि 5 जिलों के गठन में एकमात्र जिला है जो भू आविष्ठित है। इस प्रकार छत्तीसगढ़ के अंतर्गत वर्तमान में सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, 22, और भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितनी है, 11। इसी में अब हम छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों पर भी चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से राज्य छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पड़ोसी राज्य है। तो देखते हैं पड़ोसी राज्यों की, अगर हम यहां पर बात करें पड़ोसी राज्य, तो छत्तीसगढ़ के कुल 7 पड़ोसी राज्य हैं। अब देखते हैं कि ये 7 पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के किन किन जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। सबसे पहला देखते हैं, ये जो आपको बलरामपुर दिख रहा है इसके साथ भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश क्या करता है, सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एकमात्र जिले क्या, बलरामपुर के साथ सीमा साझा करता है। इसके अलावा बलरामपुर से लेकर राजनांदगांव तक का क्षेत्र मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। बलरामपुर से लेकर कहां तक, वर्तमान में राजनांदगांव तक का क्षेत्र किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। आप यहां पर गिन लीजिए कि कुल कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, तो आप ध्यान में रखेंगे बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, 4 जिले हो गए। इसके बाद गौरेला पिंडा मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई और राजनांदगांव, कुल कितने जिले सीमा साझा कर रहे हैं यहां पे, तो 9 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। किसके साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, तो 9 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। इसके उपरांत राजनांदगांव से एक और राज्य की सीमा लगती है जिसका नाम है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जो सीमा है ये राजनांदगांव से लेकर बीजापुर तक के क्षेत्र से साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। कुल कितने जिले हो रहे हैं, तो राजनांदगांव, मोहला पानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर, कितने जिले हो गए कुल, तो कुल 5 जिलों के साथ महाराष्ट्र क्या करता है, सीमा साझा करता है। इसके उपरांत बीजापुर और सुकमा से तेलंगाना राज्य सीमा साझा करता है, और छत्तीसगढ़ के एकमात्र जिले सुकमा के साथ आंध्र प्रदेश राज्य सीमा साझा करता है। इसके बाद हम आ जाते हैं फिर से बलरामपुर में। बलरामपुर से भारत का एक और राज्य जिसका नाम है झारखंड, ये सीमा साझा करता है, और झारखंड बलरामपुर के अलावा जसपुर जिले के साथ भी क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है।
फिर आगे जसपुर से लेकर यहाँ सुकमा तक का जो पूरा क्षेत्र है इसके साथ ओडिशा राज्य क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है, और ओडिशा भी छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कितने पड़ोसी राज्य हो गए आपके 7, कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड, ये 7 क्या हो गए, छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हो गए। क्लियर है यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं, अब अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन में है, देखिए क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के जिलों के संबंध में कौन सा कथन असत्य नहीं है। किसके संबंध में बात किया जा रहा है, तो छत्तीसगढ़ के जिलों के संबंध में बात किया जा रहा है, और आपको क्या जानना है, असत्य कथन नहीं है बोल रहा है, मतलब आपको क्या छांटना है यहां पर, सत्य कथन छांटना है। यहां पर आपको क्या निकालना है, इन चारों ऑप्शन में से सत्य कथन को आपको जानना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन आपको क्या बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2022 में 5 नए जिले अस्तित्व में आए। दूसरा क्या बोला रहा है, 5 नए जिलों के गठन उपरांत सीमावर्ती जिले कितने हैं, तो 23 हैं। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है आपको, 5 जिलों में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सबसे आखिरी में जिला बना। और चौथा क्या बोल रहा है, नए जिलों के गठन उपरांत बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। अब अपने को क्या जानना है, इसमें से सत्य कथन निकालना है। जो एक ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, पहला होगा, वो सही होगा। तो देखते हैं, पहला अक्टूबर 2022 में क्या बोला जा रहा है, नए जिले गठित हुए, ये पूर्णतः क्या है, गलत है। जिले गठन कब हुए थे, तो सितंबर 2022 में 5 नए जिले क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे। दूसरा क्या बोला जा रहा है, 5 नए जिलों के गठन उपरांत सीमावर्ती जिले कितने हैं, 23 हैं। तो अभी जस्ट आपने देखा कि 5 नए जिलों के गठन उपरांत सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, तो 22 है। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 5 जिलों में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सबसे आखिरी में जिला बना। नहीं, 5 जिलों में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर सबसे आखिरी में जिला नहीं बना, सबसे आखिरी में जो जिला बना है वो है शक्ति। सबसे आखिरी में जिला कौन सा बना, तो शक्ति बना। और चौथा बोल रहा है, नए जिलों के गठन उपरांत बिलासपुर संभाग में सर्वाधिक जिले हैं। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, नए जिलों के गठन उपरांत या 5 नए जिलों के गठन उपरांत बिलासपुर संभाग के अंतर्गत सर्वाधिक जिले हैं, और जिलों की संख्या कितनी है, तो 8 है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नए जिलों को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देख लेते हैं अब 5 नए जिले कौन कौन से हैं, और क्रम अनुसार उनके गठन की तारीख क्या है, मतलब पहले कौन गठित हुआ, उसके बाद कौन गठित हुआ, और उसके बाद कौन गठित हुआ। 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि 5 नए जिलों के जो गठन की तिथि है, इसमें 2 सितंबर को मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिला क्या हुआ, अस्तित्व में आया। 2 सितंबर के उपरांत 3 सितंबर को सारंगढ़, बिलईगढ़, और इसके उपरांत खैरागढ़, छुई खदान और गंडई जिले क्या हुए थे, अस्तित्व में आए थे। और 3 सितंबर के उपरांत 9 सितंबर को मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और अंतिम में शक्ति जिला क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। अब आप आराम से बना सकते हैं, ठीक है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सीधी सीधी आप क्या देखेंगे कि 2 सितंबर को सबसे पहला जिला कौन सा गठित हो रहा है, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। अब मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आपके चारों ऑप्शन में है, तो अपन फिर से आगे बढ़ते हैं। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, सारंगढ़, बिलईगढ़। अब आप देखें सारंगढ़, बिलईगढ़ किसमें है, तो बी और सी ऑप्शन में क्या है, सारंगढ़, बिलईगढ़ है। तो आप पहला और चौथे ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, यहां डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर अपन देखते हैं क्या, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो तीसरे ऑप्शन में क्या है, दूसरे और तीसरे ऑप्शन में क्या क्या आपको देखना है कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडई किसमें है। तो दूसरे ऑप्शन में दिख रहा है आपको सीधा सीधा खैरागढ़, छुई खदान, गंडई आपके पास ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। सबसे पहले कौन सा जिला गठित हो रहा है आपका, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जिसके उपरांत सारंगढ़, बिलईगढ़, सारंगढ़, बिलईगढ़ के उपरांत खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, इसके बाद मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के उपरांत शक्ति जिला क्या हुआ, अस्तित्व में आया। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, क्या बोला जा रहा है, सत्य नहीं है, मतलब हमको क्या ध्यान रखना है,
असत्य कथन अपने को निकालना है। जो भी असत्य कथन होगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है आपके पास। छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 500 मीटर है। क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, 500 मीटर है। दूसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। छत्तीसगढ़ जो है वो किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तीसरा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, भारतीय मानक समय जो है ये छत्तीसगढ़ के 15 तहसीलों से होकर गुजरती है। और चौथा बोला जा रहा है, कर्क रेखा बलरामपुर से नहीं गुजरती है। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं छत्तीसगढ़ की स्थितियों विस्तार संबंधित जानकारियों के बारे में, फिर मैं इसका आंसर दूंगा आपको। जैसे छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार संबंधी चर्चा अगर हम करते हैं तो इसमें आप ध्यान रखना, कि अगर कोई ग्लोब है, पृथ्वी जो है हमारा, इसके अंतर्गत कुछ रेखाएं हैं जो कैसी खींची गई है, पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है, और कुछ रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की ओर क्या की गई है, खींची गई है। तो ऐसी सारी रेखाएं जो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, ये सारी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। जितनी भी रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है वो सारी रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती है। और जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा को, जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा को, जीरो डिग्री अक्षांश को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा को क्या बोला जाता है, भूमध्य रेखा बोला जाता है। और इस जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष जो संपूर्ण पृथ्वी है वो कैसे दो भागों में बटी है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध जैसे दो भागों में बटी गई। मतलब अक्षांशीय रेखाएं कैसी है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जा रही है, और संपूर्ण पृथ्वी को कैसे कर रहा है ये, उत्तर एवं दक्षिण में क्या कर रहा है, बांट रहा है। ठीक है, तो इसके सापेक्ष ये जो उत्तर है ये क्या हो जाएगा आपका, उत्तरी बिंदु, और नीचे इसका क्या हो जाएगा आपका, दक्षिणी बिंदु। तो इस अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष जो भारत की स्थिति है वो क्या है, पूर्णतः उत्तर में है। भारत अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष कौन से गोलार्ध में है, तो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है। अगला है, ऐसी रेखाएं जो क्या की जा रही है, उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जा रही है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाएंगी वो पृथ्वी को कैसे बांटेगी, तो पूर्व और पश्चिम में बांटेगी। और जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा, जीरो डिग्री देशांतर रेखा, इसी को क्या कहा जाता है, जीएमटी लाइन भी कहा जाता है, ग्रेट मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच टाइम लाइन भी इसको क्या कहा जाता है, कहा जाता है। और इस जीरो डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष जो भारत की स्थिति है वो पूर्णतः कैसी है, तो पूर्वी गोलार्ध में है। मतलब भारत की संपूर्ण स्थिति कैसी है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, आगे अपन देखें तो ये जो जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा है, कौन सी रेखा, जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा, इसको हम क्या बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा बोल रहे हैं। और जीरो डिग्री देशांतरीय रेखा, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जीएमटी लाइन बोल रहे हैं या ग्रेट मेरिडियन टाइम बोल रहे हैं। ठीक है, इसके सापेक्ष जो भारत की स्थिति है वो कैसी है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है, उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। तो भारत जो है ये जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा हो गया, और जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष भारत कहां है, यहां पूर्व में। जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा के सापेक्ष भारत कहां है, तो ये कहां पर है, उत्तर में है, ये आपका भारत है। और जो जीरो डिग्री देशांतरीय रेखा है इसके सापेक्ष भारत कहां पर है, तो पूर्व में है। ठीक है, अब ये जो जीरो डिग्री अक्षांशीय रेखा है इससे 23.5 डिग्री उत्तर की ओर एक रेखा जाती है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं इसको, कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो रेखा जाती है इसको हम बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्सिकम। तो जो कर्क रेखा है वो भारत को बीचों बीच कहां से काटता है, बीचों बीच भारत के 8 राज्यों से गुजरता है।
आठ राज्य कौन कौन से हैं इसको अभी आगे हम चर्चा करेंगे। और जो जीएमटी लाइन है, जीरो डिग्री देशांतरी रेखा क्या कहला रही है, देशांतरी रेखा, जीरो डिग्री देशांतरी रेखा क्या कहला रही है आपकी, जीएमटी लाइन कहला रही है। ऐसे ही 82.5 डिग्री, कितने डिग्री, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो क्या कहलाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाता है, ठीक है। और ये छत्तीसगढ़ के साथ साथ भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे, देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो स्थिति एवं विस्तार है वो कैसा कैसा है। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति एवं विस्तार है ये उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश में 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और पूर्वी देशांतर में, पूर्वी देशांतर में 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री, 80 डिग्री 15 मिनट से 84 डिग्री 24 मिनट है। अब देखते हैं कि 17 डिग्री 46 मिनट कहाँ है और 24 डिग्री 5 मिनट कहाँ है, 80 डिग्री 15 मिनट कहाँ है और 84 डिग्री 24 मिनट कहाँ पर है। तो आप ध्यान में रखना, ये हमारा कौन सा जिला है, सुकमा जिला है, और सुकमा जिला क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला है। और इसी सुकमा जिले पर 17 डिग्री 46 मिनट, और ये आपका क्या है, बलरामपुर जिला है, और बलरामपुर जिले के अंतर्गत 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश है। मतलब उत्तरी अक्षांश का उत्तरी बिंदु कौन सा है, 24 डिग्री 5 मिनट बलरामपुर में। उत्तरी अक्षांश का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो 17 डिग्री 46 मिनट कहां पर, सुकमा में। इसके अलावा हमारा पश्चिमी बिंदु 80 डिग्री 15 मिनट, ये कहां पर है, तो ये है आपका बीजापुर में। और हमारा जो पूर्वी बिंदु है ये है आपका 84 डिग्री 24 मिनट, कहां पर, तो जशपुर में। ये आपका क्या हो गया, बलरामपुर, ये आपका है सुकमा। क्लियर है यहां तक, ये आपका क्या हो गया, छत्तीसगढ़ के स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्या हो गई, जानकारी हो गई कि छत्तीसगढ़ का उत्तरी अक्षांश में विस्तार कितना है, तो 17 डिग्री 46 मिनट सुकमा से लेकर 24 डिग्री 5 मिनट बलरामपुर तक। छत्तीसगढ़ का पूर्वी देशांतर में विस्तार कितना है, तो 80 डिग्री 15 मिनट बीजापुर से लेकर 84 डिग्री 24 मिनट जशपुर तक। मतलब छत्तीसगढ़ की उत्तर से लेकर दक्षिण तक क्या जो लंबाई है, इसको भी आप यहां पर देख लीजिए कि जो छत्तीसगढ़ है इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो लंबाई है यह है 700 किलोमीटर। कितनी है, 700 किलोमीटर है। अगर एग्जैक्ट डाटा दे दिया जाए 700 किलोमीटर 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर तब आप क्या लगाएंगे, 700 किलोमीटर लगाएंगे। और अगर आपको ऐसा दिया जा रहा है कि 500 से 600 है, कि 600 से 700 है, कि 700 से 800 है, तब आप क्या लगाएंगे, 700 से 800 किलोमीटर छत्तीसगढ़ के उत्तर से दक्षिण के बीच की लंबाई लगाएंगे। इसके अलावा जो पूर्व से पश्चिम के बीच की लंबाई है या जो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई है वो कितनी है, तो वो है 435 किलोमीटर। ठीक, क्लियर है यहां तक, बढ़ते हैं आगे। आगे यहीं पर देख लेते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कर्क रेखा, और भारतीय मानक समय के बारे में। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है वो रेखा क्या कहलाती है आपकी, कर्क रेखा कहलाती है। और ये जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के 4 जिले मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर से होकर गुजरती है। और ये जो कर्क रेखा है ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा है छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मैक्सिमम जो दूरी है ये बलरामपुर जिले में तय करती है, और मिनिमम दूरी सूरजपुर जिले में तय करती है। अगला हम देख लेते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम।
आईएसटी लाइन। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो आईएसटी लाइन है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 8 जिलों से होकर गुजरती है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 8 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये 8 जिले कौन कौन से, तो आप ध्यान रखना कि ये जो 82.5 डिग्री क्या है आपका पूर्वी देशांतरी रेखा है या आईएसटी लाइन है, ये छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 8 जिले, कौन कौन से 8 जिले, तो सूरजपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरबा, कोरबा के उपरांत जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बलौदा बाजार, फिर महासमुंद, और महासमुंद से फिर गरियाबंद जिले में क्या करता है, प्रवेश करता है, और गरियाबंद जिले के उपरांत फिर ये उड़ीसा राज्य में क्या होता है, चले जाता है। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी चीजें आपको। आगे चलते हैं अब हमारे यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो पहला क्वेश्चन आपका छूटा हुआ था। ठीक है, क्या देखना है अपने को, छत्तीसगढ़ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला क्या देखना है कि छत्तीसगढ़ की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है, तो 500 मीटर है। दूसरा क्या, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तीसरा, भारतीय मानक समय छत्तीसगढ़ के 15 तहसीलों से गुजरती है और कर्क रेखा बलरामपुर से नहीं गुजरती। हमको क्या जानना है, सत्य नहीं है मतलब असत्य कथन जानना है। तो छत्तीसगढ़ की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है, ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, भाग है। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, तो ऐसा क्षेत्र जो समुद्र से या पजल से क्या हो, तीन तरफ से घिरा हो, वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। तो छत्तीसगढ़ किसका भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अगला, भारतीय मानक समय छत्तीसगढ़ के 15 तहसीलों से होकर गुजरती है, यह कथन भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो भारतीय मानक समय है यह 15 तहसील और 8 जिलों से होकर गुजरती है, 15 तहसील और 8 जिलों से होकर गुजरती है। और चौथा ऑप्शन है आपका, कर्क रेखा बलरामपुर से नहीं गुजरता। तो अभी हमने देखा था कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर जिले से गुजरती है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कर्क रेखा बलरामपुर से नहीं गुजरती, ये क्या है, गलत है, कर्क रेखा बलरामपुर से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पर विचार करें। क्या जानना है अपने को, छत्तीसगढ़ की वर्तमान स्थिति पर विचार करें। क्या दिया जा रहा है, पहला ऑप्शन, 5 नए जिलों के गठन उपरांत राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। 5 नए जिलों के गठन उपरांत क्या कहा जा रहा है, राजनांदगांव बड़ा जिला नहीं रहा, मतलब 5 नए जिले जब गठित नहीं हुए थे तो राजनांदगांव क्या था, बड़ा जिला था। दूसरा, छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तीसरा क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा का संगम होता है। चौथा क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार की तुलना में देशांतरीय विस्तार कम है। अब देखते हैं क्या कहा जा रहा है, 5 नए जिलों के गठन उपरांत राजनांदगांव सबसे बड़ा जिला नहीं रहा। अब इसमें से अपने को जानना क्या है, कौन से कथन सत्य है, सत्य कथन क्या करना है अपने को यहां पर छांटना है। तो बिल्कुल सही है, 5 नए जिलों के गठन उपरांत राजनांदगांव अब क्या नहीं रह गया है, सबसे बड़ा जिला नहीं रह गया है। राजनांदगांव ही दो हिस्सों में और विभाजित हो चुका है, उत्तरी हिस्सा क्या कहला रहा है, खैरागढ़ छुईखदन गंडई, और दक्षिणी हिस्सा क्या कहला रहा है इसका, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। अगला, दूसरे ऑप्शन की ओर देखते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तो मैंने अभी आपको क्लियर किया कि जो छत्तीसगढ़ राज्य का उत्तरी भाग है वो 24 डिग्री 5 मिनट पर है, और कहां पर है, तो बलरामपुर में है, जबकि यहां पर क्या दिया है, 17 डिग्री 46 मिनट, जो कि किसका है, यह है हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग का, उत्तरी भाग का नहीं है। ठीक है, 17 डिग्री 46 मिनट किसका है, सुकमा। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। तीसरा, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कर्क रेखा और मकर रेखा का संगम होता है, गलत। हमने अभी देखा था कि छत्तीसगढ़ या संपूर्ण जो भारत है वो 0 डिग्री अक्षांशी रेखा के सापेक्ष कैसा है, तो पूर्णता उत्तर में है, जबकि मकर रेखा
जीरो डिग्री अक्षांशी रेखा के सापेक्ष कैसा है, 23.5 डिग्री दक्षिण पर है। तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मकर रेखा नहीं आता है या मकर रेखा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता है, और मकर रेखा छत्तीसगढ़ से नहीं गुजरता तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत उसका कर्क रेखा से संगम हो भी नहीं सकता। चौथे ऑप्शन की ओर देखते हैं, छत्तीसगढ़ के अक्षांशी विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार कम है। ठीक, ये भी हमने देखा कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार कितना, तो 17.46 डिग्री से 24.05 डिग्री तक है, और देशांतरी विस्तार कितना है, तो 80.15 डिग्री से 84.24 डिग्री है। तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सही है कि छत्तीसगढ़ का अक्षांशी विस्तार जो है वो क्या है, अधिक है। किसके तुलना में, देशांतरी विस्तार की तुलना में। छत्तीसगढ़ के अक्षांशी विस्तार की तुलना में देशांतरी विस्तार क्या है, कम है। बिल्कुल यह सही है, मतलब आपका पहला और चौथा ऑप्शन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो पहला और चौथा कहां पर है आपका, तो यह है आपका डी में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की स्थिति पर निम्न कथनों को ध्यान दें। ठीक है, क्या देखना है अपने को, पड़ोसी राज्यों के संबंध में अब ध्यान देना है। पड़ोसी राज्यों के बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा था। पहला क्या कहा जा रहा है, ओडिशा छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर एवं सुकमा जिलों से क्या कर रहा है, सीमा साझा करता है। अगला क्या बोला जा रहा है, ओडिशा, ये फुल हो गया है, ये कुल है, ओडिशा कुल 830 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तीसरा क्या बोल रहा है, सुकमा जिला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा से सीमा साझा करता है, और मध्य प्रदेश नवनिर्मित मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले से सीमा साझा करता है। पांचवा ऑप्शन क्या बोला जा रहा है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से सीमा साझा करता है। इन सब के ऊपर अभी हमने क्या किया था, चर्चा किया था। तो देखते हैं ओडिशा क्या किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा जिलों से क्या कर रहा है, सीमा साझा करता है। इसमें से आप देख पा रहे होंगे कि ओडिशा जो है रायगढ़ से तो सीमा साझा करता है, कोंडागांव से भी करता है, बस्तर से भी करता है, और सुकमा से भी करता है, परंतु बीजापुर से नहीं करता। बीजापुर के साथ कौन सा जिला सीमा साझा करता है आपका, तो बीजापुर के साथ हमने देखा था कि तेलंगाना और महाराष्ट्र जो राज्य हैं वो क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। दूसरे ऑप्शन की ओर आते हैं, ओडिशा कुल 830 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। बिल्कुल सही है, ओडिशा छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य है, सबसे लंबी दूरी का सीमा साझा करता है ये। ठीक है, 830 किलोमीटर की दूरी का क्या कर रहा है, ये सीमा साझा कर रहा है। तीसरा ऑप्शन क्या है, सुकमा जिला तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। तो इसको भी हमने देखा था कि हाँ, सुकमा जिला जो है ये तेलंगाना के साथ भी सीमा साझा करता है, आंध्र प्रदेश के भी साथ करता है, और उड़ीसा के साथ भी क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है आपका, बिल्कुल सही हो जा रहा है। चौथे ऑप्शन क्यों आ रहा है, मध्य प्रदेश नवनिर्मित मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के साथ सीमा साझा करता है। तो हमने देखा था कि मध्य प्रदेश मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी जिले के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा था, वो मात्र राजनांदगांव जिले तक क्या कर रहा था, सीमा साझा कर रहा था, या बलरामपुर से लेकर राजनांदगांव तक कुल 9 जिलों के साथ क्या कर रहा था, यह सीमा साझा कर रहा था। तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। पांचवें ऑप्शन क्यों आए, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 9 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि मध्य प्रदेश कितने जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है, 9 जिलों के साथ सीमा साझा कर रहा है। मतलब दूसरा, तीसरा और आपका जो पांचवा ऑप्शन है वो क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन, ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है मेरे को। पहला, दूसरा, पांचवा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, तीसरा, इस ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी नजर आ रही है मेरे को। सही क्या क्या होना चाहिए, तो ओडिशा क्या कर रहा है, सीमा साझा कर रहा है सबसे लंबी दूरी का, 830 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, सुकमा जो जिला है वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा के साथ सीमा साझा कर रहा है, यह भी बिल्कुल सही है। तो दूसरा, तीसरा और पांचवा क्या होना चाहिए था, इसमें ऑप्शन होना चाहिए था, परंतु ऑप्शन में ये नहीं है। यहाँ पर हम इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं कि ऑप्शन के अंतर्गत क्या क्या हो जाएगा, तो आपका दूसरा, तीसरा और पांचवा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो इस चीज को आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, आंसर होगा दूसरा, तीसरा और पांचवा जो कथन है वो क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है।
देखते हैं कर्क रेखा के संबंध में कौन से कथन जो है वो असत्य है। कर्क रेखा बलरामपुर जिले से सर्वाधिक दूरी तय करता है या बलरामपुर जिले में सर्वाधिक दूरी तय करता है। दूसरा, ओड़गी, प्रतापपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ कर्क रेखा के समीप प्रमुख स्थल है। तीसरा बोला जा रहा है कर्क रेखा की न्यूनतम दूरी कोरिया जिले में है और इनमें से कोई नहीं। हमको क्या छांटना है यहाँ पर कि कौन सा छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा के संबंध में कथन जो है वो असत्य है, असत्य कथन हमको देखना है। तो आप देखते पाएंगे कि कर्क रेखा जो है वो बलरामपुर जिले में, मैंने आपको बताया था अभी कि बलरामपुर जिले के अंतर्गत क्या करता है, ये सर्वाधिक दूरी तय करता है, ये भी बिल्कुल सही है। दूसरा, जो ओड़गी, प्रतापपुर, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, ये क्या है, कर्क रेखा के समीप प्रमुख स्थल है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। ओड़गी, प्रतापपुर कहा हो गया सूरजपुर में, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में, और मनेन्द्रगढ़ भी क्या हो गया, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के अंतर्गत कर्क रेखा के समीप प्रमुख स्थल है। तीसरा, कर्क रेखा की न्यूनतम दूरी कहां पर है, कोरिया जिले में है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी कथन क्या नहीं है, असत्य नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें डी आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा अलग है, क्या बोला जा रहा है, निम्न में से कौन सा अलग है, सुकमा, बीजापुर, राजनांदगांव और जसपुर, सिर्फ आपको इसमें छांटना है कि कौन सा अलग है। कैसे छांटेंगे, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहां पर बात किया जा रहा है, ठीक है, कि पड़ोसी राज्यों के साथ कौन कौन से जिले क्या क्या सीमा बना रहे हैं। तो आपको पता है कि ये जो सुकमा जिला है ये भारत के अंतर्गत जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य हैं उनके साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। पहला क्या, सुकमा जो जिला है वो किसके किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ सीमा साझा कर रहा है। दूसरा क्या देख रहे हैं आप, बीजापुर, तो जो बीजापुर है ये अभी हमने देखा कि ये महाराष्ट्र और तेलंगाना के साथ सीमा साझा करता है। राजनांदगांव मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा करता है, और ये जो जसपुर है आपका, ये जसपुर आपका झारखंड और ओडिशा के साथ सीमा साझा करता है। तो इसमें आपको अलग क्या दिख रहा है, तो ये जो सुकमा जिला है ये क्या कर रहा है, तीन राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, कौन कौन सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसके अलावा बाकी जितने भी जिले हैं वो क्या कर रहे हैं, किसी न किसी दो राज्यों के साथ क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। तो इन चारों में से अलग क्या है आपका, तो सुकमा जिला इसमें सबसे अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सुकमा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के सापेक्ष निम्न पड़ोसी राज्यों की स्थिति पर विचार करें, छत्तीसगढ़ के सापेक्ष निम्न पड़ोसी राज्यों की स्थिति पर विचार करें। देखते हैं पहला क्या बोला जा रहा है, इस राज्य के सापेक्ष मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में है, इस राज्य के सापेक्ष मध्य प्रदेश कहां पर है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है। दूसरा क्या बोला जा रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है, ऑप्शन क्या बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है। तीसरा क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में झारखंड सबसे छोटा है, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में झारखंड जो क्या है सबसे छोटा है। और चौथा ऑप्शन क्या बोल रहा है, झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के सापेक्ष ये जो पड़ोसी राज्य है ये कौन कौन से दिशा में स्थित है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। तो अभी आपने देखा कि मैंने पड़ोसी राज्यों की स्थिति के बारे में आपको बताया था पहले ही स्लाइड में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा छत्तीसगढ़ है इसके उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है। तो आप पाए तो उत्तर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ का पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ के एकमात्र बलरामपुर जिले से क्या कर रहा था, सीमा साझा कर रहा था। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन सा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश। दूसरा, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में एक राज्य है जिसका नाम क्या, आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पूर्व में एक राज्य जिसका नाम क्या, उड़ीसा। और छत्तीसगढ़ के पश्चिम में एक राज्य और उस राज्य का नाम क्या है आपका, महाराष्ट्र। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में और छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में कौन कौन से राज्य हैं। तो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है झारखंड और उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य आता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके बाद देखते हैं दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है यहां पर
तेलंगाना राज्य है, लेकिन छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में कोई भी राज्य नहीं है, क्योंकि पूरा ये एरिया कौन कवर कर रहा है? ओडिशा कवर कर रहा है। और ओडिशा को हम कहां पर ले रहे हैं? तो पूर्व में ले रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने उस पिछले क्वेश्चन की ओर जिसको हमने अभी छोड़ा था। अब चर्चा करते हैं इसके बारे में, क्या कहा जा रहा है। इस राज्य के सापेक्ष मध्य प्रदेश कहां पर है? उत्तर पश्चिम में है। तो अभी हमने देखा कि हाँ, मध्य प्रदेश कहां पर था? उत्तर पश्चिम में था। दूसरा क्या, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे बड़ा नहीं है। यह ऑप्शन क्या है आपका? गलत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में मध्य प्रदेश ही सबसे बड़ा राज्य है। तीसरा क्या, क्षेत्रफल के आधार पर छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों में झारखंड सबसे छोटा है। यह कथन बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के सभी पड़ोसी राज्यों में सबसे छोटा राज्य क्या है आपका? झारखंड है। और झारखंड छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित है। अभी जस्ट हमने देखा कि हाँ, ये कथन बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ के सापेक्ष जो झारखंड है वो कौन से दिशा में है? तो उत्तर पूर्व दिशा में है। आपको क्या देखना है, इसकी स्थिति पर विचार करना है। ठीक, स्थिति पर विचार करना है। और स्थिति पर विचार करके इसमें आपको असत्य कथन को क्या करना था? छांटना था। तो इसमें एकमात्र असत्य कथन क्या होगा कि छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की स्थिति में जो मध्य प्रदेश है वो क्या है? सबसे बड़ा नहीं है जो बोला जा रहा है। यही क्या है आपका आंसर होगा कि छत्तीसगढ़ के सापेक्ष जितने भी पड़ोसी राज्य हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें मध्य प्रदेश क्या है? सबसे बड़ा राज्य है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के विषय में कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के विषय में कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार की तुलना में कम है। इसको ध्यान देना आपको, कम है बोला जा रहा है। दूसरा, अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है। तीसरा बोला जा रहा है, उत्तरी अक्षांश का दक्षिणी बिंदु 24 डिग्री 5 मिनट सुकमा में है और उत्तरी अक्षांश का उत्तरी बिंदु 17 डिग्री 46 मिनट बलरामपुर में है। ठीक है, अब हमको क्या देखना है? ऑप्शन दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 सही है, 1, 2, 3 सही है, सॉरी 2, 3, 4 सही है, केवल 2 सही है और केवल 1 सही है। ठीक, तो आप अभी जस्ट देखे थे कि छत्तीसगढ़ का जो अक्षांशीय विस्तार है वो देशांतरीय विस्तार की तुलना में क्या है? अधिक है। तो पहला ऑप्शन क्या हो जा रहा है यहां पर? गलत हो जा रहा है। ठीक, दूसरा, अक्षांशीय विस्तार 17 डिग्री 46 मिनट से 24 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश पर है, यह कथन बिल्कुल सही है। तीसरा, उत्तरी अक्षांश का दक्षिणी बिंदु 24 डिग्री 5 मिनट सुकमा में है और उत्तरी अक्षांश का उत्तरी बिंदु 17 डिग्री 46 मिनट बलरामपुर में है। इन दोनों के विषय में ये जस्ट उल्टा हो गया है। दोनों ऑप्शन क्या हो जा रहा है यहां पर? गलत हो जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो उत्तरी अक्षांश का दक्षिणी बिंदु है वो 17 डिग्री 46 मिनट सुकमा में है और जो उत्तरी अक्षांश का उत्तरी बिंदु है वो 24 डिग्री 5 मिनट कहां पर है? बलरामपुर में है। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जा रहे हैं आपके? गलत। तो मात्र दूसरा ऑप्शन क्या हो रहा है आपका? सही हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। आगे देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्वी सीमा से पश्चिम सीमा की अधिकतम लंबाई कितनी है? इसको जस्ट आप अभी ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। मैंने अभी ही बताया आपको कि इसके आंसर क्या हो जाएगा, 435 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कितनी है? तो 435 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर से दक्षिण के मध्य अधिकतम लंबाई कितनी है? तो जस्ट मैंने अभी बताया आपको कि छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत आपको उत्तर से दक्षिण के बीच की अगर लंबाई पूछे तो आपको ध्यान में रखना है कि प्रॉपर अगर एक डाटा पूछ दिया जाए तो आप क्या लगाएंगे, 700 किलोमीटर लगाएंगे। लेकिन आपको सतत डाटा अगर दिया जा रहा है 600, 700, 700, 800, 800, 900, तब आप क्या लगाएंगे, 700 से 800 किलोमीटर लगाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक, पहला क्या कहा जा रहा है, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है। दूसरा क्या कहा जा रहा है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 8 जिलों से होकर गुजरता है। तीसरा बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के उपरांत यह रेखा ओडिशा में प्रवेश करती है। और चौथा बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद महासमुंद धमतरी बलौदा बाजार जिले से यह रेखा गुजरती है। अब इन कथनों पर अपने को विचार करना है और इसमें से अपने को असत्य कथन क्या करना है, छांटना है। ठीक है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन जो है, यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यह ऑप्शन क्या हो रहा है, बिल्कुल सही है।
छत्तीसगढ़ सॉरी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय जो है, ये क्या है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें पहला राज्य क्या है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से उड़ीसा और उड़ीसा से आंध्र प्रदेश। तो पहला ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, सही हो रहा है। दूसरा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के 8 जिलों से होकर गुजरता है, जो भारतीय मानक समय है ये छत्तीसगढ़ प्रदेश के 8 जिलों से गुजरता है। तो अभी मैंने बताया था छत्तीसगढ़ के कौन कौन से 8 जिलों से गुजरता है, तो सूरजपुर, उसके उपरांत कोरिया, कोरिया से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, फिर कोरबा, कोरबा से जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा से बलौदा बाजार, फिर महासमुंद और महासमुंद से गरियाबंद, इन 8 जिलों से होकर गुजरता है, ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है, तीसरा, छत्तीसगढ़ के उपरांत यह रेखा उड़ीसा में प्रवेश करती है, बिल्कुल यस भी क्या है, सही है। चौथा क्या बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, बलौदा बाजार जिले से यह रेखा गुजरती है। तो गरियाबंद, महासमुंद और बलौदा बाजार से गुजरती है, परंतु धमतरी से यह रेखा नहीं गुजरती। तो कौन सा कथन असत्य है, आप यहां पर लिख लीजिएगा कि कौन सा कथन असत्य है। यहां पर टाइपिंग छूट गया है लग रहा है, कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा कथन असत्य हो जाएगा आपका, जो चौथा क्वेश्चन है आपका डी आंसर, वो क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। धमतरी से होकर नहीं गुजरती कौन सी रेखा आपकी, भारतीय मानक समय। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय मानक समय एवं कर्क रेखा कहां एक दूसरे को काटते हैं, बैकुंठपुर में, प्रतापपुर में, ओड़गी में, सोनहट में। तो जो भारतीय मानक समय है और जो कर्क रेखा है वो एक दूसरे को, ये आपका कर्क रेखा होगा 23.5 डिग्री क्या उत्तरी अक्षांशी रेखा, और 82.5 डिग्री जो आपका क्या है पूर्वी देशांतर रेखा, जिसको अपन आईएसटी लाइन बोल रहे हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काटते हैं, तो कोरिया, कोरिया और कोरिया के अंतर्गत सोनहट में, कोरिया के सोनहट में क्या करते हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं। और कोरिया जिले के अंतर्गत जो सोनहट है, सोनहट के अंतर्गत भी एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, बालम पहाड़। इस कोरिया जिले के सोनहट के बालम पहाड़ पर क्या करते हैं, ये एक दूसरे को काटते हैं। कौन कौन सी रेखाएं, भारतीय मानक समय और कर्क रेखा कोरिया जिले के सोनहट के बालम पहाड़ पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। ऐसा किसका रिपोर्ट है, तो छत्तीसगढ़chips.gov.in की रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि जो भारतीय मानक समय और कर्क रेखा है ये एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं, बालम पहाड़ में। परंतु छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर्वे और हिंदी ग्रंथ अकादमी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ समग्र बुक के अनुसार कोरिया को नहीं मानकर इसका आंसर किसको लिया जाता है, सूरजपुर को लिया जाता है। और 2017 पीएससी के अंतर्गत भी इसका आंसर क्या लिया गया था, सूरजपुर लिया गया था। लेकिन ऑफिशियली डाटा आपको यह ध्यान में रखना है कि सोनहट के किसमें, बालम पहाड़ में, जो भारतीय मानक समय और कर्क रेखा है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं। चलते हैं अपने उस पिछले क्वेश्चन में और देखते हैं कि आप आंसर क्या लेंगे। तो यहां पर आपको क्या लेना है आंसर, तो इसमें आप आंसर लेंगे सोनहट, भारतीय मानक समय और कर्क रेखा कहां पर एक दूसरे को काटते हैं, तो ये सोनहट पर क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करना है आपको, एक तरफ छत्तीसगढ़ के उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर से संबंधित समय दे दिए हैं और दूसरे तरफ उनकी स्थिति दे दी, सॉरी उनका क्या दे दिया गया है, स्थान दे दिया गया है। पहला दिया है 17.46, 80.15, 24.05 और 84.24। ये आपको यहां पर ये 5 मिनट है, 51 मिनट नहीं है। ठीक, तो जो 17.46 है ये कहां पर है आपको पता है, सुकमा में है। और सुकमा का एक तहसील क्या है आपका, कोंटा। तो पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो गया। ठीक है, पहले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, मतलब जहां जहां पर डी है उसको क्या करेंगे आप, आंसर के रूप में अभी आगे बढ़ेंगे उसमें, और जहां पर डी नहीं है उसको आप डायरेक्ट क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो आपको दिख रहा है कि पहले में दो जगह पर डी है और दो जगह पर क्या है, सी है। तो ए
और सी ऑप्शन क्या हो गए, यहीं से एलिमिनेट हो गए। दूसरा अपन देखते हैं 80 डिग्री 15 मिनट, ये क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे पश्चिमी बिंदु। कहां पर है पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु है बीजापुर में। कहां पर, बीजापुर में, और बीजापुर के अंतर्गत जो जगह है वो क्या है, भद्रकाली। भद्रकाली जगह और तहसील भी आपको पूछ ले तो भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत क्या है यह बिंदु या यह पॉइंट उपस्थित है। अगला भी क्या है, 24 डिग्री 5 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट कहां पर होगा, तो उत्तरी बिंदु है सबसे, और सबसे उत्तरी जिला हमारा क्या है, बलरामपुर है ना। तो बलरामपुर के अंतर्गत एक जगह का नाम है क्या, सुंदरी, ये क्या हो जाएगा 24 डिग्री 5 मिनट का स्थान हो जाएगा। और अगला है क्या आपका 84 डिग्री 24 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट ये यहां पर गिरता हो गया है, ये गिरता नहीं है ये गिरला है। क्या है ये, गिरला। 84 डिग्री 24 मिनट का स्थान क्या है, गिरला। कहां पर, तो जसपुर तहसील, जसपुर जिला। ठीक, समझ में आ गया, बना लेंगे। आंसर क्या बैठ रहा है आपका, डी सी बी और ए। ठीक, कहां पर हो रहा है, तो एक हो रहा है आपके बी में, डी सी बी ए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। 17 डिग्री 46 मिनट सबसे क्या, दक्षिणी बिंदु। कहां पर, तो कोंटा स्थान, कोंटा तहसील भी है, और कौन सा जिला, तो सुकमा जिला। 80 डिग्री 15 मिनट, 80 डिग्री 15 मिनट क्या है आपका, पश्चिमी बिंदु है, और पश्चिमी बिंदु कहां है, तो बीजापुर। स्थान पूछ ले तो भद्रकाली, और तहसील पूछ ले तो भोपालपट्टनम, भोपालपट्टनम। 24 डिग्री 5 मिनट, 24 डिग्री 5 मिनट जो है ये कहां पर है, तो बलरामपुर में। बलरामपुर के अंतर्गत जगह कौन सा, तो सुंदरी, और तहसील पूछ ले तो रामानुजगंज, रामानुजगंज। तहसील कौन सा, तो रामानुजगंज तहसील। फिर 84 डिग्री 24 मिनट, 84 डिग्री 24 मिनट कहां पर, तो यह है कहां पर आपका, पूर्वी बिंदु। पूर्वी बिंदु मतलब जसपुर में, और जसपुर के अंतर्गत जगह का नाम क्या, गिरला, और जसपुर तहसील और जसपुर जिले में। क्लियर है यहां तक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य की तहसीलों से कर्क रेखा के गुजरने का पूर्व से पश्चिम का सही क्रम है। क्या देखना है आपको, पूर्व से पश्चिम देखना है, ना कि पश्चिम से पूर्व। क्या देखना है अपने को, पूर्व से पश्चिम, मतलब अपने को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर से शुरू न करके कहां से शुरू करना है, बलरामपुर से शुरू करना है। बलरामपुर से शुरू करके आपको मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर तक आना है। तो देखते हैं, बलरामपुर, कुसमी, प्रतापपुर, ओड़गी, सोनहट, भरतपुर। प्रतापपुर, कुसमी, बलरामपुर, ओड़गी, भरतपुर, सोनहट। कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओड़गी, सोनहट, भरतपुर। बैकुंठपुर, सोनहट, ओड़गी, प्रतापपुर, कुसमी और भरतपुर। तो बैकुंठपुर को तो आप इजली यहां पर क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, कि बैकुंठपुर कहां पर हो गया, ये तो आपका कोरिया में हो गया, तो ऑप्शन डी आप क्या कर लिए, डायरेक्टली एलिमिनेट कर लिए। दूसरा आपको दिख रहा है प्रतापपुर, ये प्रतापपुर भी क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रतापपुर कहां पर है, तो ये सूरजपुर जिले के अंतर्गत एक तहसील है। दो ऑप्शन आपका बच रहा है क्या, एक बलरामपुर और दूसरा कुसमी, है ना। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है पहला क्या है, बलरामपुर है, और दूसरे सी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कुसमी दिया हुआ है। तो बलरामपुर जिले के अंतर्गत जो कुसमी है ये क्या है, बलरामपुर से भी पूर्व में है। तो पहला आपका क्या आ जाएगा, कुसमी आ जाएगा। कुसमी के बाद क्या होगा, बलरामपुर। ये दोनों कौन से जिले में हो गए, तो बलरामपुर जिले में ही हो गए। फिर आपका क्या है, प्रतापपुर और ओड़गी। ये दोनों कौन से जिले में, तो ये सूरजपुर जिले में हो गए। इसके बाद सोनहट, सोनहट कोरिया में, और भरतपुर, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में। तो पूर्व से पश्चिम की ओर का सही क्रम क्या है, कुसमी, बलरामपुर, प्रतापपुर, ओड़गी, सोनहट और भरतपुर। ये क्या है, पूर्व से पश्चिम। यही आपको अगर पश्चिम से पूर्व बोल दे तो क्या करते हैं आप, तब आप यहां से शुरू करते। क्लियर है, ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। झारखंड के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, क्या बोला जा रहा है, झारखंड के सापेक्ष बोला जा रहा है, ना कि छत्तीसगढ़ के सापेक्ष। मतलब झारखंड अगर यहां है तो इसके सापेक्ष छत्तीसगढ़ कहां है। तो अभी जस्ट हमने देखा था कि ये छत्तीसगढ़ था, और छत्तीसगढ़ के सापेक्ष यहां पर क्या था, झारखंड था। ठीक है, मतलब छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में क्या है, झारखंड है। तो झारखंड के कौन से दिशा में छत्तीसगढ़ होगा, तो आप यहीं से क्या कर लें, एक कॉलम बना लें और इसको क्या कर लें, यहां पर देख लें। तो झारखंड के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो कहां पर आ रही है, दक्षिण पश्चिम में आ रही है। क्लियर है, ये तो आप आराम से ही बना लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की कौन सी तहसील सीमा बनाती है? क्या बोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ की कौन सी तहसील सीमा बनाती है? अब अभी हमने देखा तो था कि बलरामपुर जिला जो है वो क्या कर रहा था, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या पूछ दिया है आपको, तहसील पूछ दिया है। ठीक है, क्या पूछ दिया है, तहसील पूछ दिया गया है। तो कौन सी तहसील बनाती है, कुसमी तहसील बनाती है कि बलरामपुर तहसील बनाती है कि रामानुजगंज तहसील बनाती है कि प्रतापपुर तहसील बनाती है। प्रतापपुर को तो आप ऑटोमेटिक काट सकते हैं, यहाँ पे प्रतापपुर सूरजपुर में है ना, तो यह क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। दूसरा, कुसमीर, बलरामपुर और रामानुजगंज में आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको कि इसमें जो रामानुजगंज तहसील है वो क्या करता है, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक, बलरामपुर जिला, और बलरामपुर जिले का कौन सा तहसील, तो रामानुजगंज तहसील। क्लियर है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है? महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के किन जिलों के साथ क्या कर रहा है, सीमा साझा करता है, ये देखते हैं। मैंने बताया था आपको कि छत्तीसगढ़ के 5 जिलों के साथ क्या करता है, महाराष्ट्र सीमा साझा करता है। कौन कौन से हैं वो 5 जिले, तो राजनांदगांव, मोहलामानपुर अंबागढ़ चौकी, मोहलामानपुर अंबागढ़ चौकी के उपरांत कांकेर, कांकेर से फिर नारायणपुर, और नारायणपुर से फिर क्या आपका बीजापुर। इन 5 जिलों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। देखते हैं पहले ऑप्शन में, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, बीजापुर। तो यहां पर जो कोंडागांव है ये अलग आपको नजर आ रहा है। ठीक है, कोंडागांव के साथ सीमा साझा नहीं करता। कौन सीमा साझा नहीं करता, तो महाराष्ट्र सीमा साझा नहीं करता। बी ऑप्शन में क्या दिया है, बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा, कांकेर। सी ऑप्शन में क्या दिया है, बीजापुर, नारायणपुर, राजनांदगांव, कांकेर, राजनांदगांव, कांकेर। और चौथा ऑप्शन क्या दिया है, मोहलामानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, बस्तर और सुकमा। तो कौन सा होगा आंसर इसमें आपका, तो बीजापुर हो गया, नारायणपुर हो गया, कांकेर हो गया, सुकमा हो गया। तो सुकमा के साथ क्या सीमा साझा करता है, बिल्कुल नहीं, सुकमा के साथ ये सीमा साझा नहीं करता। किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो बीजापुर तक के हिस्सों के साथ ये सीमा साझा करता है। सी क्या बोल रहा है, बीजापुर, नारायणपुर, राजनांदगांव और कांकेर। तो सी ऑप्शन क्या हो रहा है आपका, बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डी ऑप्शन में बस्तर के साथ भी क्या नहीं करता है, ये सीमा साझा नहीं करता है। क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से छत्तीसगढ़ के कौन से जिले दूसरे राज्यों की सीमा स्पर्श नहीं करते? छत्तीसगढ़ के जो कौन से जिले हैं वो दूसरे राज्यों की सीमा स्पर्श नहीं करते, मतलब आपको यहाँ पर भू आवेष्टित जिले ज्ञात करने हैं। ठीक है, कौन से जिले ज्ञात करने हैं आपको, भू आवेष्टित जिले ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, अभी हमने तो जस्ट पूरा देख ही लिया है कि कौन कौन से जिले हमारे सीमावर्ती हैं, कौन कौन से जिले हमारे भू आवेष्टित हैं। तो पहला देखते हैं क्या ऑप्शन अपना, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, कोरखा हो गया, ये क्या होगा आपका, कोरबा होगा ये, और धमतरी। ऑप्शन आपको मतलब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन आपको, कैसे कौन से जिले हैं जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा स्पर्श नहीं करते। पहला क्या, सरगुजा, जांजगीर चांपा, कोरबा, धमतरी। तो हमको पता है धमतरी क्या करता है, सीमा साझा करता है। किसके साथ सीमा साझा करता है धमतरी, तो ये ओडिशा के साथ सीमा साझा करता है। अगले ऑप्शन में देखते हैं, दुर्ग, रायपुर, दंतेवाड़ा, रायगढ़। रायगढ़ भी क्या करता है, एक सीमावर्ती जिला है और ओडिशा के साथ सीमा साझा करता है। अगला, रायपुर, बालोद, बिलासपुर, जांजगीर चांपा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, रायपुर, बालोद, बिलासपुर और जांजगीर चांपा, ये क्या है, छत्तीसगढ़ के भू आवेष्टित जिले हैं। फिर भी चौथे ऑप्शन को और हम क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं, दंतेवाड़ा, सरगुजा, जसपुर, कोरबा। पता है आपको जसपुर दो राज्यों के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। कौन कौन से दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो झारखंड और उड़ीसा के साथ सीमा साझा करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है? इसको भी आप आराम से बना लेंगे, मेरे बताने से पहले ही आप अपना आंसर टिक कर लेंगे, मेरे को पता है इसमें। ठीक है, फिर भी मैं देख लेता हूं, यह हमारा छत्तीसगढ़ था और छत्तीसगढ़ के सापेक्ष जो मध्य प्रदेश था वो कहां पर था, यह उत्तर पश्चिम में था। तो मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी हो जाएगी, मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी हो जाएगी, तो ये दक्षिण पूर्व में हो जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश के सापेक्ष छत्तीसगढ़ की स्थिति कैसी है, तो ये दक्षिण पूर्व में है। क्लियर है आपको। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आज का आखिरी क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के किस दिशा में स्थित है, जिसका आंसर आप देख लिए कि आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। क्लियर है। ठीक,
यहीं तक आज का हमारा वीडियो, हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, जो रहेगा हमारा छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक विभाजन। ठीक है, धन्यवाद।